ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बिजली कंपनियों की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। कनिष्ठ अभियंता पद के लिए जारी विज्ञप्ति में नहीं जोड़ा राजस्थान का सिलेबस, जबकि पूर्व में अभ्यर्थियों को दिया गया था इस बारे में आश्वासन। ऐसे में आक्रोशित अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में एकजुट, सिविल लाइंस में मंत्रियों के आवास पर जाकर दे रहे ज्ञापन। तो आक्रोशित अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में एकजुट, सिविल लाइंस में मंत्रियों के आवास पर जाकर दे रहे ज्ञापन। बिजली कंपनियों की भर्ती से जुड़ी यह बड़ी खबर। कनिष्ठ अभियंता पद के लिए जारी विज्ञप्ति में नहीं जोड़ा गया राजस्थान का सिलेबस, जबकि पूर्व में अभ्यर्थियों को दिया गया था इस बारे में आश्वासन। ऐसे में आक्रोशित अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में एकजुट, सिविल लाइंस में मंत्रियों के आवास पर जाकर दे रहे ज्ञापन। बिजली कंपनियों की भर्ती से जुड़ी यह बड़ी खबर। कनिष्ठ अभियंता पद के लिए जारी विज्ञप्ति में नहीं जोड़ा राजस्थान का सिलेबस, जबकि पूर्व में अभ्यर्थियों को दिया गया था इस बारे में आश्वासन। ऐसे में आक्रोशित अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में एकजुट, सिविल लाइंस में मंत्रियों के आवास पर जाकर दे रहे ज्ञापन। कनिष्ठ अभियंता पद के लिए जारी विज्ञप्ति में राजस्थान का सिलेबस नहीं जोड़ा गया, जबकि पूर्व में अभ्यर्थियों को इस बारे में आश्वासन दिया गया था। ऐसे में आक्रोशित अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में एकजुट, सिविल लाइंस में मंत्रियों के आवास पर जाकर दे रहे ज्ञापन। और विकास शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। विकास, सबसे पहले तो ये बताएं, आखिर कारण क्या है जब आश्वासन दिया गया उसके बावजूद ये सिलेबस क्यों नहीं ऐड किया गया इसमें? देखिए, राजस्थान का सिलेबस जो है उसको ऐड करने के लिए भर्ती लंबे समय से आंदोलनरत थे और उनको ये आश्वासन मिल गया था कि काफी हद तक राजस्थान का जो जीके है वो करीब 24% के आसपास सिलेबस के अंदर जोड़ा जाएगा और उसी बात को लेकर आश्वस्त भी थे। लेकिन कल जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उस विज्ञप्ति के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर का जो सिलेबस है वही सिलेबस जो है वो जोड़ा गया है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है और काफी तादाद में अभ्यर्थी जो है जयपुर में एकत्र हुए हैं। यहाँ विभिन्न मंत्रियों से मिलकर के वो अपना ज्ञापन दे रहे हैं, साथ में अपने रोष जाहिर कर रहे हैं कि वो पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के बावजूद अब उनको ऐसा लगता है कि वो पीछे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस जो है वो पूर्णतः बैंकिंग सेक्टर के आधारित किया है, जबकि राजस्थान का जीके जो है उसके लिए उन्होंने पहले से मांग उठाई थी, लेकिन राजस्थान का जीके जो है वो जोड़ा नहीं गया है, इससे उनको काफी नुकसान होगा, इस तरह का उनका अभ्यर्थियों का कहना है। इसको लेकर के वो सिविल लाइंस में एकत्र हो रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं अब जब अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं, ज्ञापन दिया जाएगा मंत्रियों से बातचीत के लिए, तो क्या लगता है रुख क्या होना चाहिए, फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जब 2012-13 के अंदर भर्ती निकली थी उस वक्त भी राजस्थान का जीके जो उसको जोड़ा गया था, लेकिन बीच में सिलेबस को चेंज कर दिया गया था। वापस अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि जो पुराना सिलेबस था जिसके आधार पर ही भर्ती की थी वही सिलेबस जो है वापस रखा जाए, इसी बात को लेकर भी मांग है। अब देखना ये होगा कि उनकी मांग जो उसको किस तरह से देखता है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन ने पहले भी इस बारे में मांग उठ चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस तरह का जो सिलेबस है उसके अंदर राजस्थान जीके जो उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से बच्चे में रोष प्राप्त है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया विकास।